हमने बिल डिस्काउंट का फॉर्मूला पहले वीडियो में बताया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब हमें यह फॉर्मूला यूज कर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है। प्रॉब्लम समझे, जो वैल्यू दिए गए हैं उसे लिखे, फिर जो वैल्यू कंप्यूट करना है उसे लिखे। अब आपको सभी फॉर्मूला देखकर सही फॉर्मूला सिलेक्ट करें। ध्यान रहे कि प्रश्न में दिए वैल्यू से कैलकुलेट करने वाला वैल्यू निकालना है। सही फॉर्मूला में वैल्यू बैठाकर कैसे आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आगे देखते रहिए। मैं अशोक नाडानी, dvidya.com वेबसाइट के तरफ से आप सब स्टूडेंट्स और टीचर्स को स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट फ्री में ब्लॉग्स, ई बुक, वीडियो ट्यूटोरियल्स देखे, पढ़े, सीखे, क्विज और टेस्ट दे, सीखने के साथ साथ कमाए भी। टीचर अपने लेक्चर नोट्स साझा कर तुरंत रॉयल्टी पाए, तो अंत तक वीडियो देखें। फाइंड प्रेजेंट वैल्यू, ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट एंड बैंकर्स गेन ऑन ए बिल ऑफ 1,04,500 ड्यू इन 9 months एट 6% पर एनम। यहाँ देखें क्या क्या वैल्यू प्रश्न में दिए हुए हैं। यानी बिल वैल्यू 1,04,500, टी यानी टाइम 9 months है, दैट मीन्स 9/12 ईयर्स इज इक्वल टू 3/4 या 0.75 ईयर्स, क्योंकि हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम में है, इसलिए टाइम को भी पर एनम में कन्वर्ट करना है। आर इज इक्वल टू 6% पर एनम, और एब्सोल्यूट वैल्यू में अगर यूज करें तो 6/100 इज इक्वल टू 0.06, ये दिया गया है। प्रश्न में पूछा गया है कि फाइंड प्रेजेंट वैल्यू, ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट एंड बैंकर्स गेन। सबसे पहले जो वैल्यू हमें मालूम है वो पहले लिखते हैं, और जो वैल्यू हमें निकालना है उसे हम लिखते हैं। वो जो वैल्यू निकालना है उसे हम हाईलाइट किए हैं, जो वैल्यू दिया गया है उसे हम बोल्ड में दिखा रहे हैं। आप सारे फॉर्मूला पर नज़र डालें, पाएंगे कि पी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ बाई 1 प्लस आर इंटू ट्री बाई 100। यह फॉर्मूला सबसे ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि इससे हमें जो दिया गया वैल्यू है उससे हम पी डब्ल्यू ये सारे वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें पहले पी डब्ल्यू निकाले इस फॉर्मूला से। बैंकर्स डिस्काउंट बी डी इज इक्वल टू एफ इंटू आर इंटू टी बाई 100 से हम निकाल सकते हैं। पी डब्ल्यू का वैल्यू जब मिल गया कंप्यूट करने के बाद में, हम उस वैल्यू से टी डी यानी ट्रू डिस्काउंट निकाल सकते हैं, पी डब्ल्यू इंटू आर इंटू टी बाई 100 इस फॉर्मूला से। अब बी डी और टी डी ये दोनों जब निकल गए तो बी जी बैंकर्स गेन निकाल सकते हैं, क्योंकि बैंकर्स गेन मतलब बी डी माइनस टी डी। यहाँ एक बात पर मैं ध्यान दिलाता हूँ, इंटरेस्ट रेट और टाइम ये दोनों को एक ही यूनिट में अलाइन करें। अगर पर ईयर है तो टाइम भी एनुअल मतलब पर ईयर ईयर के हिसाब से कन्वर्ट करें। स्टूडेंट अक्सर यही गलती कर देते हैं। आगे वीडियो में जो दिखा रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले वीडियो, उसमें भी इस बात का ध्यान रखें कि कैसे हम लोग पीरियड को इंटरेस्ट पीरियड के हिसाब से कन्वर्ट कर रहे हैं। अब फर्स्ट स्टेप में पी डब्ल्यू कैलकुलेट करें। फॉर्मूला देख रहे हैं, उस फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट करें एफ के जगह 1,04,500 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आर का वैल्यू पुट करें 6, टी इज इक्वल टू 3/4। अब आप ये वैल्यू फ्रैक्शन के जगह डेसिमल में भी पुट कर सकते हैं, तो आप चाहे कोई भी तरह कैलकुलेट करें, जो भी आप डेसिमल से या फ्रैक्शन से। अब आपको पी डब्ल्यू इज इक्वल टू वैल्यू 1,00,000 मिलेगा। दोनों तरह के कैलकुलेशन दिखाए हैं। इसका मतलब एक बिल जिस
का 1,04,500 रुपया का बिल जो 9 महीना बाद 9% इंटरेस्ट से मैच्योर होता है, तो उसका करंट प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख रुपया है। दूसरी तरह समझे कि 1 लाख रुपया आज अगर इन्वेस्ट करते हैं 9% के हिसाब से, तो 9 महीना बाद में 1,04,500 रुपया मिलेगा, यानी उसका फ्यूचर वैल्यू है 1,04,500 रुपया। इसके नेक्स्ट स्टेप में अब हम बीडी कंप्यूट करेंगे। बीडी का फॉर्मूला आप देख रहे हैं, उसमें आप न्यूमरेटर में वैल्यू प्लेस पुट करें और सॉल्व करें। फ्रैक्शन या डेसिमल जो भी कैलकुलेशन आपको सरल मालूम होता हो उस हिसाब से कैलकुलेट करें। आपको वैल्यू मिलेगा BD इज इक्वल टू 4,702.50। कैलकुलेशन का पूरा स्टेप दिखाया है। इसका मतलब 1,04,500 रुपया का एक बिल जो 9 महीना बाद में 9% के हिसाब से मैच्योर होगा, उसका डिस्काउंट बैंक 4,702 4,702.50 लेंगे। मतलब इस पीरियड का क्रेडिट देने के लिए बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है उसे बैंकर्स डिस्काउंट बोला जाता है बिल डिस्काउंटिंग स्कीम में। अब नेक्स्ट स्टेप में TD कैलकुलेट करें। हमें TD का फॉर्मूला दिख रहा है, इसमें PWD हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, वो वैल्यू हम बैठाएंगे यहाँ। RNT का वैल्यू प्रश्न में दिया हुआ है। पूरा कैलकुलेशन का स्टेप आप देख रहे हैं स्क्रीन में। सॉल्व करने से मिलेगा TD इज इक्वल टू 4,500। इसका मतलब प्रेजेंट वर्थ पर 1 लाख रुपया पर 9 महीने का 9% के इंटरेस्ट से बैंक 4,500 रुपया डिस्काउंट लेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम BG यानी बैंकर्स गेन कैलकुलेट करेंगे। अब हमें BD बैंकर्स डिस्काउंट और TD ट्रू डिस्काउंट भी मिल गया है, तो BG इक्वल टू BD माइनस TD बहुत सिंपल है, कैलकुलेट करें मिलेंगे BG इज इक्वल टू 202.50। अब हमें दो तरह के डिस्काउंट के वैल्यू मिले, एक बैंकर्स डिस्काउंट एक ट्रू डिस्काउंट। दोनों में फर्क क्या है, दोनों का मतलब क्या है? बैंकर जितने पैसा का क्रेडिट देता है या लेंड करता है उस पर इंटरेस्ट लेता है, बैंक का नॉर्मल इनकम है। लेकिन बिल डिस्काउंट में क्या करते हैं, बैंक जो फ्यूचर वैल्यू है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू का आज का वैल्यू लेकिन कम है, इसका मतलब आज कम पैसे देकर कम फ्यूचर वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। तो यहाँ बैंकर 4,702.50 रुपया ले रहा है, जबकि रियल इंटरेस्ट होना चाहिए 4,500। ये 202.50 रुपया एक्स्ट्रा गेन है, ये बैंकर्स गेन कहते हैं। मतलब बिल डिस्काउंटिंग स्कीम से बैंकर को नॉर्मल इंटरेस्ट से भी ज़्यादा इनकम होता है। ट्रू डिस्काउंट ऑफ ए बिल ड्यू आफ्टर 6 मंथ्स एट 5.8% पर एनम इज ₹40। फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल। देखिए यहाँ TD इज इक्वल टू 40 दिया हुआ है, R इज इक्वल टू 8% और 0.08 ये भी दिया है। T इज इक्वल टू 6 मंथ मतलब हाफ ईयर यानी 0.5 ईयर यह भी दिया हुआ है। हमें F बिल अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो आप देखें TD इज इक्वल टू F इंटू R इंटू T बाई 1 प्लस R इंटू T, जो फॉर्मूला हमने पहले बताए हैं वो सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा, क्योंकि यहाँ सारे वैल्यूज अवेलेबल है जिससे हम F निकाल सकते हैं। अब इस फॉर्मूला में जो वैल्यू मालूम है TD R और T का वैल्यू आप पुट कर दीजिए और फिर F का वैल्यू उस फॉर्मूला से सॉल्व करिए। कैलकुलेशन का पूरा डिटेल दिया हुआ है। अब हम यहाँ पाते हैं F इज इक्वल टू 1040, मतलब बिल वैल्यू है 1040। फाइंड द टाइम आफ्टर विच ड्यू अमाउंट विल बिकम 1060 एट 6% पर एनम व्हेन TD इज इक्वल टू 60। यहाँ F यानी बिल वैल्यू दिया हुआ है 1060, TD दिया हुआ है 60, R दिया हुआ है 6% यानी 6/100 या 0.06। हमें T कैलकुलेट करना है।
आप देखें टी डी इज इक्वल टू एफ इंटू आर इंटू टी बाई 1 प्लस आर इंटू टी। इस फॉर्मूला से हम टी डी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि बाकी वैल्यू सब हमें मालूम है। इस फॉर्मूला में आप सारे वैल्यू पुट करें, टी डी और आर का वैल्यू पुट करें और उससे टी का वैल्यू निकालें, कैलकुलेट करें। पूरा कैलकुलेशन का स्टेप्स, पूरा कैलकुलेशन का डिटेल्स दिख रहा है। यहाँ से आप टी इज इक्वल टू 1 यानी 1 ईयर मिलेगा। इसका मतलब एक साल बाद में उस बिल का वैल्यू 1060 रुपया होगा 6% पर एनम के हिसाब से, जिसका टी डी का वैल्यू है 60 रुपीज। इफ टी डी 11,000 ड्यू फॉर 15 मंथ्स इज 1,000, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ देखे एफ इजिकल टू 11,000, टी इजिकल टू 15 मंथ्स यानी 5/4 ईयर्स और टी डी इजिकल टू 1,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें आर फाइंड आउट करना है। इसे सॉल्व करने के लिए हमने टी डी इजिकल टू एफ इंटू आर इंटू टी बाई 1 प्लस आर इंटू टी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि एफ टी और टी डी का वैल्यू हमें मालूम है, उससे आर का वैल्यू मिल जाएगा। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दिए हैं, पूरा कैलकुलेशन का स्टेप्स दिखाए हैं और उसमें देखे आर इज इक्वल टू 0.08। एब्सोल्यूट वैल्यू 0.08 को परसेंटेज में कैलकुलेट करने से होता है 0.08 × 100% यानी 8% पर एनम। तो इंटरेस्ट रेट है 8% पर एनम। फाइंड टी डी ऑन ए सम ऑफ रुपीज 1750 ड्यू इन 18 मंथ्स एट 6% पर एनम। यहाँ एफ इज इक्वल टू 1750, टी इज इक्वल टू 18 मंथ्स यानी 1.5 ईयर्स, आर इज इक्वल टू 6 यानी 0.6% यानी 0.06 टी डी फाइंड करना है, फाइंड टी डी। इसे सॉल्व करने के लिए भी सेम फॉर्मूला टी डी इज इक्वल टू एफ इंटू आर इंटू टी बाई 1 प्लस आर इंटू टी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला में जस्ट एफ टी और आर का वैल्यू पुट कर टी डी को कंप्यूट कर सकते हैं। पूरा वैल्यू कैसे पुट किया है और पूरा कंप्यूटेशन हम यहाँ दिखाए हैं। तो टी डी इज इक्वल टू 144.50 अप्रॉक्सीमेटली, 2 डिजिट में राउंड अप करने से। ए बिल फॉर रुपीज 1224 इज ड्यू इन 6 मंथ्स, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट एट इंटरेस्ट रेट 4% पर एनम। यहाँ एफ यानी बिल वैल्यू इज 1224, टी इज इक्वल टू 6 मंथ्स और 0.5 ईयर, आर इज इक्वल टू 4% यानी 0.04। फाइंड टी डी एंड बी डी फर्स्ट एंड देन फ्रॉम देयर यू कैन कंप्यूट, हम बी जी बैंकर्स गेन कंप्यूट कर सकते हैं। हम टी डी इज इक्वल टू एफ इंटू आर इंटू टी बाई 1 प्लस आर इंटू टी जो फॉर्मूला पहले भी यूज किए हैं या यहाँ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें एफ टी और आर मालूम है। ये वैल्यू पुट कर उस फॉर्मूला में टी डी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 24। अब बी डी इजिकल टू एफ इंटू आर इंटू टी, इस फॉर्मूला से सिमिलरली सारे वैल्यू पुट करने से बी डी का वैल्यू मिलता है 24.48। अब बी जी बैंकर्स गेन इज इक्वल टू बी डी माइनस टी डी, सो बी डी बी जी इक्वल टू 0.48। यह हम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं क्योंकि बैंकर्स गेन है इंटरेस्ट ऑन टी डी, तो इंटरेस्ट ऑन टी डी इज 24, 24 का 4% से हाफ ईयर 0.5 ईयर का इंटरेस्ट होता है 24 × 0.04 × 0.5 = 0.48। आंसर वेरीफाई हो गया। स्टूडेंट्स फ्री में ब्लॉग्स, ई बुक, वीडियो ट्यूटोरियल्स देखे, पढ़े और सीखे, साथ ही घर बैठे प्रोजेक्ट वर्क कर आसानी से तुरंत उपार्जन भी करे। टीचर क्लास नोट शेयर कर घर बैठे आसानी से तुरंत
उपार्जन करें। पूरी जानकारी के लिए दिए गए एड्रेस में ईमेल करें, हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे।